हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। एडवांस में इसे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अर्थिंग के एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आपस में वीडियो को देखते रहिए, इस पर पूरी एक प्ले लिस्ट आने वाली है। ओके, तो अर्थिंग में पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थ के पोटेंशियल को हम लोग जीरो लेते हैं, लेकिन वाई वी कंसिडर पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो। ठीक ना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक ना, तो आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ठीक ना, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक ना, तो ये नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए ये जीरो को टेंड कर जाता है, नेग्लेजिबल। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो है, तो उस पर चार्ज थोड़ा सा दे दो या निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जीरो ही रहने वाला है। ठीक ना, तो अब हम लोग देखते हैं किसी भी आइसोलेटेड मेटल बॉडी को अर्थ करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग अब डील देखते हैं कि कोई भी जब आइसोलेटेड मेटल बॉडी है, ये आइसोलेटेड मेटल बॉडी है। ठीक ना, जब इसको हम लोग अर्थ करेंगे तो क्या होगा। ठीक ना, कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही इस पर सवाल बनेगा, इसलिए ध्यान से समझना है। तो ये कोई एक आइसोलेटेड मेटल बॉडी है, इस पर हम लोग क्यू चार्ज दे दिए, तो ये क्यू चार्ज इसके सरफेस पर डिसाइड करेगा, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर होता है ये। अर्थिंग को समझने के लिए कंडक्टर का एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, वैसे नहीं भी आएगा तो हम लोग मैं उसी टाइम पर बता दूंगा, आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा अर्थिंग। ठीक ना, तो अर्थिंग में ये क्यू चार्ज दिए तो इसके सरफेस पे ये सारा चार्ज आ गया। अब इसको हम लोग अर्थ करते हैं, अर्थ करते हैं तो ये स्विच हमको क्लोज करना पड़ेगा। अर्थ के तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्या कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। ये तो जानते ही हैं कि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दो बॉडी पे चार्ज बराबर ना हो जाए, जब वो दोनों कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड है और इसका पोटेंशियल जीरो है अर्थ का, तो इसका भी जीरो होना पड़ेगा। लेकिन इसका पोटेंशियल जीरो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल जो है वो KQ/R है। इसका पोटेंशियल KQ/R है। ठीक है, और इस पोटेंशियल को हमको जीरो करना है, इसका मतलब इस पर कोई भी जब आइसोलेटेड मेटल बॉडी पे पोटेंशियल जीरो करना हो तो उस पर हमको चार्ज जीरो करना पड़ेगा। इस पर क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को जीरो करना है, तो इसका मतलब इस वायर होकर के कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा। कितना फ्लो कर जाएगा, ठीक ना, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर जाएगा, इस पर पोटेंशियल जीरो करना है, इसका मतलब ये सारा क्यू चार्ज को जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये सारा क्यू चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो हो जाएगा प्लस क्यू। या प्लस क्यू चार्ज इससे इसमें चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे माइनस क्यू चार्ज इसमें चला गया, दोनों एक ही बात है। या फिर इससे ऐसा कह सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज अर्थ से इसमें चला गया, या फिर इससे प्लस क्यू चार्ज आ गया। यह है अर्थिंग का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक ना, अब इस पर नेक्स्ट वीडियो, इस पर बैक टू बैक सारे प्ले लिस्ट हम बनाने वाले हैं। ठीक ना, एक एक कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद अर्थिंग पे हम लोग एडवांस प्रॉब्लम भी हम करवाएंगे। ठीक ना, उसके बाद ये टॉपिक पूरे हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।